डायरेक्टर कबीर खान को बुरा, क्यों सलमान को नहीं पसंद है ट्रैवल करना। कबीर खान ने बजरंगी भाईजान को डायरेक्ट किया था और अब ये इस मूवी का सीक्वल बजरंगी भाईजान 2 को भी डायरेक्ट करने वाले हैं। बजरंगी भाईजान मूवी के रिलीज होने के बाद कबीर खान को इस मूवी को लेके कुछ डर था। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें डर था कि जब ये फिल्म पाकिस्तान के लोग देखेंगे तो वो लोग कहीं कुछ गलत ना समझे। लेकिन फिल्म रिलीज होने के बाद ये पता चला कि वो वहाँ के लोग ने भी फिल्म को काफी ज्यादा पसंद किया है। फिल्म में कुछ भी उनके देश के खिलाफ नहीं दिखाया गया। आप सब ने ये फिल्म तो देखी ही होगी। इसमें कई सीन्स पाकिस्तान से रिलेटेड दिखाए गए थे लेकिन वो सब के सब शूट इंडिया में ही हुए थे। और इस मूवी में हमें भाईचारा देखने को मिला था जो इंडिया और पाकिस्तान दोनों की ऑडियंस को काफी पसंद आया। सलमान खान ने हाल ही में अपने बर्थडे पर बजरंगी भाईजान के सीक्वल की अनाउंसमेंट की थी। उन्होंने मीडिया को बताया था कि इस फिल्म का सीक्वल पवन पुत्र हनुमान के नाम से आने वाला है। अब इस बात को लेकर कबीर खान थोड़ी निराश हो गए। उन्होंने कहा कि मेकर्स ने इस मूवी के बारे में सोचा था लेकिन अभी कुछ भी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। वो इसके फाइनल डिसीजन होने के बाद इस फिल्म को ऑफिशियली अनाउंस कर देते लेकिन सलमान खान ने ओवर एक्साइटमेंट में आके इससे पहले ही अनाउंस कर दिया जो कि कबीर खान को गलत लगा। उन्होंने कहा कि सलमान ने इसके प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं किए। फिर उन्होंने कहा कि वो रूल्स फॉलो नहीं करते और वो बस अपने दिल की करते। कबीर खान ने कहा कि इसका सीक्वल जरूर आएगा लेकिन अब इसकी स्क्रिप्ट पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है। ना तो उन्होंने ना ही सलमान ने स्क्रिप्ट पढ़ी है लेकिन विश्वास है कि विजेंद्र सर इस बार भी कुछ नया और एक्साइटिंग लिख कर लाएंगे। कबीर खान ने एक इंटरव्यू में बताया था कि सलमान खान को ज्यादा ट्रैवल करना बिल्कुल नहीं पसंद, उन्हें सिर्फ स्टूडियोज में ही शूट करना पसंद है। आप सब ये तो जानते ही होंगे कि सलमान खान की आई फिल्म एक था टाइगर को कबीर खान ने डायरेक्ट किया था और इस मूवी की शूटिंग सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि और भी कई देशों में की गई थी। इस फिल्म को लेके सलमान और कैटरीना को काफी ट्रैवल करना पड़ा और तभी सलमान खान ने कबीर खान को बोला था कि उन्होंने सलमान को इस फिल्म की शूटिंग के लिए पूरा वर्ल्ड ट्रैवल कराया था। कबीर खान ने आगे बताया कि जब सलमान को ये पता चला कि बजरंगी भाईजान मूवी की शूटिंग सिर्फ इंडिया में होने वाली है तब वो बहुत खुश हुए थे और उन्हें उस टाइम पे ये भी नहीं पता था कि इंडिया के किन किन लोकेशंस पे होगी इस मूवी की शूटिंग। Well, we wish all the best to the team members of this movie and may this movie will be a blockbuster. Now, this is your host Palak signing off and we'll be back soon in another video. Till then, stay safe, stay connected. Goodbye.